नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबी वर्मा, पेपर है कर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए जियोग्राफी का ये है शॉर्ट क्वेश्चन है ये हमारा थर्ड, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में देख रखे हैं, दो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको दिए थे, दो में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाला है और दोनों भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। मगर एक क्वेश्चन तो 100% मिलेगा, तो यूनिट यहाँ पर आपकी समाप्त हो जाएगी। पांच क्वेश्चन दिए हैं ओनली लॉन्ग और शॉर्ट, इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, आपके एग्जाम में। बात करते हैं उसके बाद में हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू की एक वीडियो कि उसमें सारा के सारा यूनिट खत्म हो जाएगा। तो आपको 6 वीडियो दी जा रही हैं यूनिट नंबर 1 की, ठीक है। तो इनको रिपीट बार बार करिएगा जो कि आपको याद हो जाए, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बचे ना पाए। तो बात करते हैं जो आज रहने वाला है वो हो जाता है भूवैज्ञानिक समय को समझाइएगा। भूवैज्ञानिक समय है क्या, इसके बारे में देखना है हमें, ठीक है। भूवैज्ञानिक समय मतलब जो हमारी भूमि है, ठीक है, इस पे जो समय का मापन हुआ है उसको हम यहां पर देखने वाले हैं। तो देखते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या रहेगी, सबसे पहले हेडिंग हमें डालना ही डालना है। तो हेडिंग हमारी रहेगी कि पहले हम क्वेश्चन तो डालते नहीं है, डायरेक्टली क्या डालते हैं, यूनिट नंबर 1 के प्रश्न या क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर या फिर उत्तर, ठीक है, हमने डाल दिया। उसके बाद उसे डबल लाइन से बीच में बंद कर दिया। उसके बाद क्या डालेंगे, उत्तर लिखेंगे साइट में, ठीक है। और उसके बाद पहली हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी, पहली हेडिंग हमारी जो पड़ जाएगी वो जाएगी प्रमाणिक भूवैज्ञानिक समय मापक। क्या, प्रमाणिक भूवैज्ञानिक समय मापक हमारी पहली हेडिंग पड़ जाती है। तो बात करते हैं, आप देखते हैं इसके बारे में, ठीक है, थ्योरी लिखेंगे इसकी। तो बात करते हैं, इधर रखा है आधारोपण तथा जैविक अनुक्रम के सिद्धांत, आधारोपण तथा जैविक अनुक्रम के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए भूवैज्ञानिकों ने प्रत्येक बड़े महाद्वीपों को सैलों के, ध्यान से पढ़ना यहां पर, प्रत्येक बड़े महाद्वीपों को सैलों के काल क्रम अनुसार क्रम निर्धारित किए हैं। मतलब क्या है, सैलों के आधार पर प्रत्येक बड़े महाद्वीप जो होते हैं, मतलब हमारा देश क्या है, एक महाद्वीप ही है, ठीक है। तो बात करते हैं जो भूभाग होता है जल के ऊपर जो उफरा हुआ कह सकते हैं, जो भूभाग होता है उसे क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। तो महाद्वीप की सैलों के, सैल मतलब परतों के आधार पर, सैलों के काल क्रम अनुसार क्रम निर्धारित किए गए हैं। मतलब सैलों के आधार पर क्रम निर्धारित किए गए हैं कि कौन से वर्ष में कौन आया था, कौन से वर्ष में कौन आया था, ठीक है। इस प्रकार से भूवैज्ञानिक समय को समझाया है। बात करते हैं, सभी ने एक प्रमाणिक भूवैज्ञानिक समय मापक, जो भूवैज्ञानिक समय मापक है मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसको तैयार किया है, ठीक है भाई। सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रमाणिक, अपनी तरफ से लिखेंगे हम, सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रमाणिक भूवैज्ञानिक समय मापक मतलब जियोग्राफिकल टाइम स्केल तैयार किया है, जो पृथ्वी के पंचांग की तरह है, जो पृथ्वी के क्या है, पंचांग की तरह है, विश्व के विभिन्न भागों की सैलों का सह संबंध उसमें उपस्थित जीवाश्मों के आधार पर स्थापित किया जाता है। जो सैलों के अंदर जीवाश्म मिलते हैं, जो मृत कंकाल मिलते हैं, उसके आधार पर समय का मापन किया जाता है। कह रहा है जीवाश्मों के आधार पर स्थापित किया जाता है। फिर देखा है इसको आगे रेखा चित्र में इस प्रकार चित्रित किया गया है, इसके बारे में आगे देखने वाले हैं, ठीक है। किस प्रकार चित्रित किया गया है, अब यहां पर आपको देखो थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ते हैं। देखा है प्रमाणिक भूवैज्ञानिक समय मापक को महाकल्पों में, मतलब एओन में, ठीक है, महाकल्पों में, कल्पों में इरेस में तथा युगों में प्राइड्स में, ठीक है, प्रायोड्स में तथा सको में मतलब स्पेस में विभाजित किया गया है। सबसे पहले कौन आएंगे, महाकल्प, उसके बाद कौन आएंगे, कल्प, उसके बाद कौन आएंगे, युग, और उसके बाद कौन आ जाएंगे, शक हो जाएंगे, ठीक है भाई, शक हो जाएंगे। महाकल्प कितने हैं, दो, अभी यहीं पर याद कर लो, महाकल्प कितने हैं, दो, कल्प कितने हैं भाई, कल्प है चार, युग कितने हैं, युग हो जाते हैं 12, युग कितने हैं, 12 हैं, और शक कितने होते हैं, 7 होते हैं। यहीं पर आप लिख भी सकते हो तो नंबर यहीं पर आपके बढ़ जाएंगे, आगे थ्योरी पढ़ने की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बच्चे ने भाई सही लिखा है, इसका मतलब इसे याद होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखते जाना, महाकल्प दो महाकल्पों में डिवाइड तथा कल्पों को 7 में तथा युगों को 12 में तथा शकों को 7 में विभाजित किया गया है। फिर रखा है प्राय बहुत से नाम विगत 200 वर्षों के दौरान
भूविज्ञान के इतिहास विकास के सूचक हैं। तो मतलब बहुत सारे और भी हो जाते हैं, ठीक है, आप देखते हैं आगे। भूवैज्ञानिक में निक्षेपण समय की दीर्घ अवधि को रेडियो तिथिकरण, किसके रेडियो तिथिकरण, मतलब रेडियो मैट्रिक्स एडिट, ठीक है, डेटिंग, रेडियो डेटिंग हो ना, रेडियो तिथिकरण, हाँ, रेडियो मैट्रिक्स, रेडियोमेट्रिक डेटिंग द्वारा नापा जाता है, या डायरेक्ट आप लिखोगे रेडियो तिथिकरण द्वारा मापा जाता है। फिर देखा है समस्त भूवैज्ञानिक समय मापक को दो मुख्य महाकल्पों, जैसे दो मुख्य महाकल्प हमने देखे थे कौन कौन से, एक होता है पूरा कैम्बियम और एक होता है पेनरोजोइक। कैसे याद करेंगे, दो महाकल्प, एक पुराना और एक नया, तो पुराने से कर देना पूरा कैम्बियम, पुराने से पूरा कैम्बियम, नाम ही छुपा हुआ है पूरा मतलब पुराना, तो पूरा कैम्बियम मतलब पहले वाला, नया मतलब क्या है मेरा पेन, तो पेनरोजोइक, मेरा पेन क्या है आधुनिक में है, अभी है, नया है ना, तो बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा पेनरोजोइक, दोनों के दोनों हमें याद हो गए कि भाई पूरा कैम्बियम पुराने वाला, पेन होगा नया वाला, तो पूरा कैम्बियम और पेनरोजोइक दो महाकल्प हो जाते हैं, याद हो गए, में विभाजित किया गया है, दो में विभाजित किया है पूरा कैम्बियम और पेनरोजोइक, ठीक है, याद हो गया। फिर रखा है जिसमें से पूरा कैम्बियम को 88%, पूरा कैम्बियम 88% तथा पेनरोजोइक को 12%, जो पेनरोजोइक है उसे 12% वैज्ञानिक समय में विभाजित किया गया है। मतलब जो समय है पूरा कैम्बियम का वो कितना है 88% है, और जो पेनरोजोइक महाकल्प है उसका कौन सा है ओनली 12% है, कितना ओनली 12% समय विभाजित किया गया है, अर्थात 4600 मिलियन वर्ष पूर्व से। अब 4600 मिलियन वर्ष पूर्व ही क्यों लिखा, आपने अगर पहले वाली क्लास देखी होंगी तो समझ में आया होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी जब तरल अवस्था में थी तो उस समय कितनी थी, गैसीय अवस्था में थी 6000 से पहले, गैसीय अवस्था में थी 6000 मिलियन वर्ष से पहले, और जब चार मतलब 4645 में आई थी तो क्या हो गई थी, वह ठोस अवस्था में हो गई थी, और 6000 में क्या थी, तरल अवस्था में थी। 6000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी कैसी थी, तरल अवस्था में, और 4500 मिलियन वर्ष पूर्व किसमें थी, ठोस अवस्था में, तो वही बात कर रहा है 46 मिलियन वर्ष पूर्व 900 मिलियन वर्ष पूर्व तक का पूरा कैम्बियम महाकल्प है, क्योंकि जब ठोस अवस्था में होगी तो जीवन की क्या हो गई होगी, उत्पत्ति होगी, मतलब ठोस अवस्था में होगी तभी तो हम उसका समय आकलन कर सकते हैं कि हाँ हमारे लिए क्या मिले हैं, सैल के प्रमाण मिले हैं और ये इतने वर्ष पुरानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ठोस अवस्था में आई होगी पृथ्वी कब आई थी, 4600 मिलियन वर्ष पूर्व से 900 मिलियन वर्ष पूर्व तक कौन सा रहा है, भाई पूरा कैम्बियम रहा है। तो आपको याद होना चाहिए पूरा कैम्बियम कब तक रहा है, 4600 लेकर 900 मिलियन वर्ष पूर्व तक, ध्यान रखना 4600 लेकर 900 मिलियन वर्ष पूर्व तक कौन रहा है, ये अपना हो जाता है पूरा कैम्बियम, ठीक है। फिर देखते हैं और 570 तक, 570 मिलियन वर्ष से वर्तमान तक कौन है, पैलोजोइक है, मतलब पेनरोजोइक है, ठीक है भाई। पेनरोजोइक कितने हैं, 570 मिलियन वर्ष पूर्व से वर्तमान तक कौन हो जाता है, महाकल्प का विस्तार माना गया है। तो आपको तीनों याद करना पड़ेंगे, तीन नहीं चार डेट याद करना पड़ेंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहला तो आपका हो जाता है 4600, याद करो 4600 में कौन आया था, पूरा कैम्बियम कब तक रहा, 4600 से लेकर 900 तक, ठीक है, पूरा कैम्बियम रहा। उसके बाद आया पेनरोजोइक, पेनरोजोइक है वो कब से कब तक रहा, वो रहा 750 से लेकर, है ना भाई, होगा 570 से लेकर अब तक, ये कौन है, पेनरोजोइक है, ठीक है। आगे देखेंगे इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और साड़ी भी देखेंगे, उसे याद भी करेंगे। बात करते हैं पृथ्वी पर उपलब्ध विभिन्न शैलों की आयु निर्धारित करने के लिए भूवैज्ञानिक समय को दो महाकल्पों में तथा चार प्रमुख कल्पों में, हमने देखा था ना कि कितने कल्प थे, मैंने आपको बताया था चार कल्पों में, और दो महाकल्पों को चार कल्पों में डिवाइड किया गया, अर्थात पूरा कैम्बियम कल्प जो पुराने वाला था, जो पूरा कैम्बियम कल्प था उसको हमने ओनली पूरा कैम्बियम कल्प ही कहा, पूरा कैम्बियम महाकल्प को पूरा कैम्बियम कल्प में ही डिवाइड किया, परंतु पेनरोजोइक जो महाकल्प था उसे किसमें, पैलियोजोइक महाकल्प के अंदर, जिसे कहते हैं पूरा जीव कल्प, ठीक है, तथा मेसोजोइक मध्यजीवी कल्प तथा कैनरोजोइक कल्प जिसे कहते हैं
नवजीव कल्प, इसे तीन भागों में डिवाइड किया गया पैनरोजोइक के लिए, किस किस में, पैलियोजोइक, पैनरोजोइक से क्या बन गया पैलियोजोइक तथा मेसोजोइक, उसके बाद कैनोजोइक महाकल्प। ठीक है, ये लिख सकते हो, अगर नाम याद नहीं है तो आपको पैलियोजोइक को कर लेना पूरा जीव कल्प, फिर मध्य जीव कल्प और नवजीव कल्प, अगर एग्जाम में नाम याद ना आए तब की बात कर रहा हूं, अगर याद है तो बिल्कुल पैनोजोइक को पैलियोजोइक, फिर मेसोजोइक, फिर कैनोजोइक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं बांटा गया है, ये तो आपको याद करना पड़ेंगे, ये याद नहीं होगा तो क्या याद होगा, है ना। बात करते हैं पूरा कैम्बियम कल्प सबसे प्राचीन, देखो दे रखा है ना, जो पूरा कैम्बियम महाकल्प है वो भी प्राचीन था, और पूरा कैम्बियम कल्प जो है वो भी क्या होगा, प्राचीन ही होगा, तथा लंबा कल्प था, ये कैसा था, लंबा कल्प था, जिसका ज्ञान बहुत कम, जिसका ज्ञान क्या है, बहुत कम। अभी रुकिएगा, ये आगे हम देखेंगे, ठीक है, पहले हम क्या देखें, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी महत्वपूर्ण है पहले पढ़ने के लिए, है इतना है भाई, आपने देख लिया है ना, उसका क्या है, बहुत कम ज्ञान है पूरा कैम्बियम कल्प का। फिर देखा है शेष तीनों कल्प जो थे, जो 570 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुए, हमारा ज्ञान अपेक्षाकृत अधिक है। जो पूरा कैम्बियम कल्प था उसमें तो हमारा ज्ञान कम है, तो उसका हम वर्णन नहीं करेंगे, और बाकी जो तीन कल्प बच जाते हैं उनका क्या है, ज्यादा है हमें ज्ञान, तो उनका हम यहां पर वर्णन करेंगे। वही दे रखा है, देखा है प्रत्येक कल्पों को युगों में, ठीक है, मतलब पीरियड्स में विभाजित किया गया है। जो प्रत्येक कल्प है, मैंने बताया था पहले आते हैं महाकल्प, कौन आते हैं, महाकल्प, फिर आते हैं अपने कल्प, ठीक है, फिर आते हैं अपने क्या, युग, और फिर अपने आते हैं शक, ठीक है, शक आते हैं। तो कल्प को कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया था, पूरा कैम्बियम और पैनरोजोइक में। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक कल्पों को युगों में बांटा गया, प्रत्येक कल्पों को किसमें, युगों में। कल्प कितने थे, चार हमने देखे थे, है ना, पुनराजोइक देखा था, वो पूरा कैम्बियम कल्प देखा था, फिर पैलियोजोइक देखा था, मेसोजोइक देखा था, कैम्बियम और कैम्बियम देखा था, है ना। बात करते हैं, अब इसको चार में डिवाइड किया, उसके बाद जो युगों थे, कल्पों को युगों में, कल्पों को किसमें, युगों में, कितने, 12 युगों में डिवाइड किया गया, है ना। देखो यहां देखेंगे, युगों में विभाजित किया गया, कुल 12 युग है, कितने हैं, 12 युग है, तो युग कितने हो जाते हैं, 12, तथा जिनमें से सात युग किसमें है, पैलियोजोइक में, जो पैलियोजोइक पहले वाला है, पैलियोजोइक में कितने हैं, 7, ध्यान रखना, पैलियोजोइक में कितने दे दिए, युग 7 दे दिए। फिर तीन युग हो जाते हैं मेसोजोइक के अंतर्गत, कितने आते हैं, 3 युग आते हैं मेसोजोइक के अंतर्गत, तथा 2 युग जो आते हैं वो किसमें आते हैं, कैनोजोइक कल्प में आते हैं, मतलब इसे कहते हैं सैनोजोइक भी कल्प कहा जाता है, पूछ सकता है एमसीक्यू में कि कैनोजोइक कल्प को और किस नाम से जाना जाता है, तो सीनोजोइक कल्प के नाम से भी जाना जाता है। तो तीन यहां पर हमने देख लिए, पहला कौन सा था, पैनियोजोइक महाकल्प को तीन भागों में डिवाइड किया, कौन सा, पैलियोजोइक कल्प जिसमें युग रखे गए 7 इसमें, फिर मेसोजोइक कल्प में डिवाइड किया, इसमें 2 युग आए, और कैनोजोइक महाकल्प आया, ठीक है, में सम्मिलित है। तो इस प्रकार से 3 मेसोजोइक में, 2 हो जाते हैं कैनोजोइक में, याद कर लिए, 7 होंगे पहले वाले में, कौन से, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में 3 होंगे, कैनोजोइक में 2 होंगे, याद कर लेने के लिए, ठीक है। बात करते हैं, में सम्मिलित है, देखा इसके पश्चात अंतिम 2 युग जो रह जाते हैं, क्योंकि हमने कितने देख लिए, 7, 3, 10, 12 जो अंतिम कह रहा है यहां पर, इसके पश्चात अंतिम 2 युग, जो 2 युगों को 7 संकों में विभाजित किया गया है, जो अंतिम 2 युग है, ये वाले जो वाले कैनोजोइक वाले जो कल्प है, ठीक है, कैनोजोइक कल्प के हैं, कह रहा है अंतिम 2 युगों को 7 संकों में विभाजित किया गया है। तो संकों की संख्या कितनी है भाई, 7 है, संकों कितना, कितनी संख्या है भाई, 7 हो जाती है, जो लास्ट के 2 युग बचते हैं, मतलब कैनोजोइक वाले कल्प हैं, जो सीनोजोइक कल्प है, इसको 7 संकों में विभाजित किया गया, सबके लिए नहीं किया गया है, ओनली कैनोजोइक कल्प, मतलब सीनोजोइक कल्प को ही किया गया है, जिसके अंतर्गत 2 युग आते हैं, ठीक है। फिर देखा है समस्त महाकल्पो, कल्पो, युगो, संकों को भूवैज्ञानिक विभाजन एवं समाप्ति निम्न प्रकार है। तो अब इसकी हम सारणी देखेंगे, पहले इसके बारे में फिर देख लीजिएगा, महाकल्प कितने थे, 2, इसको 4 भागों में डिवाइड किया, ठीक है भाई, एक
चारों के चारों हमने नाम तो याद कर ही लिए हैं, ठीक है, बता दूं दोबारा? चलो ठीक है। तो दो महाकल्प थे, इनको चार कल्पों में डिवाइड किया। पहला था पैलोजोइक, दूसरा था अपना पुराकैम्बियम, सॉरी पुराकैम्बियम कल्प था, फिर पैलोजोइक था, फिर मेसोजोइक था, फिर अपना कौन सा था, कैनोजोइक था। चारों में डिवाइड कर दिया, युग सात हुए, ठीक है, और संघ कितने थे, सात। जो लास्ट वाले दो युग हैं कैनोजोइक के, उसको सात अंकों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इतना तो आपको याद करना पड़ेगा भाई, याद नहीं करोगे तो नहीं लिख पाओगे। बाकी साड़ी में याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ट्रिक बनाकर मैं आपको याद कराऊंगा, ठीक है। बात करते हैं, अब देखते हैं इसकी समय अवधि के लिए। पहले ऊपर वाली देख लो, तो आपको क्या होगा, समझ में कुछ ज्यादा आएगा। थोड़ी छोटा करते हैं जो कि आपको समझ में आए, ठीक है, देखेगा ना, बिल्कुल देखेगा भाई। देखो सबसे पहले कौन सा आया था, सबसे पहले कौन सा आया था, तो पहले ये देखिएगा, क्योंकि सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले जो आएगा वो आएगा अपना पैलोजोइक, पहला है ना, पासे पहला, पासे पहला। तो सबसे पहले कौन आएगा भाई, पैलोजोइक, पासे पहला। तो पैलोजोइक महाकल्प आया सबसे पहले, ठीक है भाई। इसके अंतर्गत किसमें डिवाइड किया गया, इनको भी डिवाइड किया गया बहुत भागों में। क्या करते हैं और, है ना, देखिएगा ना, उसके बाद मेसोजोइक, उसका कैनोजोइक। सबसे पहले क्या देखेंगे, पैलोजोइक महाकल्प को देखेंगे। तो पैलोजोइक सबसे पहले महाकल्प आया था, ठीक है, पैलोजोइक मतलब पहला है ना, तो पैलोजोइक आएगा, पहला पैलोजोइक, पहला पैलोजोइक, ठीक है। देखिएगा पैलोजोइक महाकल्प क्या आया था, सबसे पहले आया था। इसको कितने कितने सात युगों में डिवाइड किया गया था, बताया था ना, इसको सात युगों में डिवाइड किया गया था, जो हो जाता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो इधर से हम ट्रिक बनाएंगे, इधर से, क्योंकि समय क्या है, इधर से स्टार्ट हो रहा है, पूर्व काल से इधर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इधर से ही स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम, ठीक है, उल्टा। तो इसकी ट्रिक होती है पहले जो एक महाकल्प की याद करने की, वो होती है क्या, क्या साढ़े, क्या साढ़े कप, इसकी ट्रिक होती है क्या साढ़े कप, है ना। तो कैसे क्या हो जाएगा, कैम्ब्रियन, आ से क्या हो जाएगा, ऑर्डिविसियन, और साढ़े से क्या, सा से क्या हो जाएगा, साढ़े में पहला क्या है सा, तो सा से क्या हो जाएगा, साइलूरियन, डे से क्या हो जाएगा, डेवोनियन, और का से क्या हो जाएगा, कार्बोनिफेरस, पा से हो जाएगा परमियन, ठीक है भाई। ये हमारी ट्रिक हमें याद करना पड़ेगी, ठीक है। तो का से कैम्ब्रियन, आ से ओडिसियन, सा से साइलूरियन, और अपना डे से डेबोसियन, ठीक है, डेबोनियन, और हो जाता है कार्बोनिफेरस, और हो जाता है परमियन। तो आपको एक चीज यहां पर देखने को मिलेगी पहलो जो एक महाकल्प में, क्या यन, ध्यान से देखना, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, सब में यन देखने को मिलेगा। तो यन अगर पूछे तो किसमें होगा, पैलियोजोइक में होगा, अगर एमसीक्यू में बनेगा तो, अगर यन आ रहा है किसी में तो किसमें होगा, पैलियोजोइक महाकल्प के अंदर आएगा, ठीक है भाई। तो यहां पर यन देखो, यहां देखो कैम्ब्रियन, यन आ गया, और ऑर्डिविसियन यहां पर भी यन आ गया, साइलूरियन यहां पर भी यन आया, डेबोसियन यहां पर भी यन आया, कार्बोनिफेरस में ही बस नहीं है, इसको याद कर लेना, और परमियन यहां पर भी यन है। तो अगर एमसीक्यू में बनेगा यन 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 यन, तो समझ लेना आपको किसका है, पहले जो एक महाकल्प का है। ट्रेक आपको याद करना है, कया मतलब क्या, क्या साढ़े कप, ट्रिक याद हो गई किसकी, पहले जो एक महाकल्प की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कौन आया था, इसके बाद आया था मैसोजोइक कल्प, मैसोजोइक महाकल्प आया था, इसको देखते हैं। मैसोजोइक महाकल्प को कितने भागों में डिवाइड किया गया था, हमने बताया था तीन भागों में डिवाइड किया गया था, जैसे कि है पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है भाई। ये पहला हो जाता है, ये दूसरा हो जाता है, और ये तीसरा हो जाता है। तो पहला क्या है, क्रेटेसस, तो ये तो आपको पता है, आपने जुरासिक मूवी भी देखी होगी, है ना, उसके अंदर सबसे पहले कौन आए थे, क्रेटेसस आए थे, इसमें बड़े सांप थे, क्या थे, बहुत बड़े विशालकाय सांप आए थे, ठीक है, क्रेटेसस के अंदर, मतलब जो हमारे डायनासोर हैं उनसे पहले कौन आए थे, क्रेटेसस, मतलब बहुत विशालकाय सांप थे, ठीक है। तो क्रेटेसस बड़े विशालकाय सांप आ जाते हैं। उसके बाद आया था जुरासिक, मतलब जुरासिक आपने मूवी देखी, उसमें कौन था, डायनासोर, है ना, तो किस कौन आ जाएंगे, डायनासोर किसमें थे, जुरासिक में। और उसके बाद कौन का विकास हुआ था, उसके बाद हुआ था उड़ने वाले डायनासोर का विकास, तो वो किसमें आ जाते हैं, ट्रियासिक में आते हैं, किसमें, ट्रियासिक में। तीनों कितने याद हो गया भाई, मैसो जो एक मतलब मांस, मैसो मतलब मांस याद रखना, मैसो मतलब मांस खाने वाले, मैसो मतलब मांस खाने वाले, और मांस कौन खाता है, क्रेटेसस सांप खाएगा, जुरासिक
कौन कहेंगे? डायनासोर, क्रिटेशस मतलब उड़ने वाले डायनासोर, ठीक है भाई। मैसोसक मध्य हो जाता है, मध्य वाला सबसे पहले, सबसे कहलाता पैलोजोइक मतलब पहले वाला, मध्य वाला मैसोजोइक, उसके बाद लास्ट आएगा कैनोजोइक, ठीक है। तो मैसोजोइक हमने देख लिया, आराम से याद भी हो गया हमारे लिए। तीन भागों में युगों में बांटा गया था, पहला क्रिटेशस बड़े सांप, जुरासिक डायनासोर, क्रिटियस ट्रियासिक वो होने जाएंगे अपने उड़ने वाले डायनासोर। अब देखेंगे हम लास्ट वाला, ठीक है भाई। थोड़ा सा रुकिएगा, क्या हो गया भाई, ये हट जा भाई। चलो हाँ, अब देखेंगे लास्ट वाला, ठीक है। इसकी जो ये साड़ी आपको एग्जाम में नहीं बनानी है, ये साड़ी आपको नहीं बनानी है, जो आगे वाली बताऊंगा वो साड़ी आपको एग्जाम बनानी है, तो बस याद कराने को आपको दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर जो कि आपको याद हो जाए। फिर पहले आया पहला पैलोजोइक, दूसरा मध्य में मैसोजोइक, तीसरा कैनोजोइक महाकल्प, ठीक है। अब पैनोजोइक को तीन भागों में डिवाइड किया गया था, क्योंकि हमें पूरा कैम्बियम जो महाकल्प है उसके बारे में पता नहीं है, तो उसके बारे में नहीं लिखेंगे। पैनोजोइक महाकल्प है तो तीन भागों में डिवाइड किया गया था, पहला पैलोजोइक, मैसोजोइक, कैनोजोइक। तो हमने क्या देख लिया, पैलोजोइक देख लिया, मैसोजोइक देख लिया, अब क्या देखेंगे, कैनोजोइक महाकल्प देखेंगे पैनोजोइक का, ठीक है। तो बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से कल्पों को डिवाइड किया गया है। तो आपको पता है इसके अंदर कौन आते हैं, छह महाकल्प आते हैं, कौन आते हैं, सॉरी छह कल्प आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं देखते हैं। पहला होता है इओसीन, मायोसीन, इधर से नहीं करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, रुको, इसकी समय अवधि है वो अलग है, ठीक है। इसे करेंगे इधर से, सबसे पहले कौन आएगा, इओसीन, उसके बाद आएगा ओलिगोसीन, उसके बाद मायोसीन, उसके बाद प्लियोसीन, उसके बाद प्लिस्टोसीन, उसके बाद आएगा अपना हिलोसीन। ये हम आगे सारणी में देखेंगे, यहां पर आप कंफ्यूज हो, बस याद कराने की ट्रिक है यहां पर। तो यहां पर देखो, जब जब भी आपको मिले कैनोजोइक महाकल्प के बारे में पूछे, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सीन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो सभी में आपको सीन देखने को मिलेगा इसके अंतर्गत। तो जब कभी एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे सीन पूछे, तो बताइएगा ये जो कल्प है वो किस महाकल्प का है। तो याद रखना, जहां पर सीन देखने को मिलेगा वहां पर कैनोजोइक महाकल्प होगा, वहां पर क्या होगा, कैनोजोइक महाकल्प होगा। बस ये ट्रिक है, ट्रिक बता रहा हूं आपको याद करने की, वरना ये साड़ी आपको मैं नहीं देता, ठीक है। तो अब आपको याद हो जाएगी कि हाँ भाई, जो अपना इओसीन है, ओलिगोसीन है, मायोसीन है, प्लिस्टोसीन है, प्लियोसीन, प्लिस्टोसीन, और जो हिलोसीन है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैम्बियम मतलब कैनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत आ जाते हैं। याद हो गया ना, सबसे पहले जो पहले जो एक महाकल्प है उसके अंदर क्या आया था, यन आया था, यन देखो, यन सभी मिलेगा। उसके बाद तीनों की तीनों तो याद हो गए, जुरासिक और ट्रियासिक और अपना क्रिटिसस, और बाकी में क्या मिलेगा, सीन सीन। अब आपको एमसीक्यू यहां से एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, एमसीक्यू क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना है ना, क्योंकि जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ना बचने पाए। तो अब बढ़ते हैं इसकी साड़ी की ओर, साड़ी को बहुत अच्छे प्रकार से देखना है ना, साड़ी को हमें बहुत ही अच्छी प्रकार से देखना है, ठीक है। अब इस साड़ी को पढ़ते हैं, इस साड़ी को पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा ना, दिख रहा है बिल्कुल भाई, दिख रहा है भाई, दिख रहा है। तो बात करते हैं, यहां पर कुछ गलती है उसको हम संभाल देते हैं, ठीक है। देखो बात करते हैं, यहां पर कह रहा है कौन सा दिख नहीं रहा है लाइट के कारण, कोई बात नहीं। पहला है अपना महाकल्प, ठीक है, उसके बाद है कल्प, उसके बाद हो जाएंगे युग, उसके बाद है शक, उसके बाद रखिए समय अवधि। समय अवधि मैंने आपको बता रखी कौन कौन सी याद करनी है। देखो सबसे पहले 4600, 4600 में पृथ्वी क्या हुई थी, ठोस, तभी से समय का इसका विकास हुआ होगा। उसके बाद 900 तक, 900 तक कौन चलेगा, अभी देखा था ना कौन चलेगा, पूरा कैम्बियम पहले वाला, पुराने वाला कब से चला था, 4600 से चलाता था 900 तक, 900 मिलियन वर्ष पूर्व तक, ठीक है। उसके बाद करेंगे कौन सा, उसके बाद आएगा अपना पैनरोजोइक, कौन आएगा, पैनरोजोइक, मगर यह परसेंटेज गलत दे रखी है यहां पर, इसकी परसेंटेज 88 होनी चाहिए थी और इसकी होना चाहिए थी 12%, ठीक है। तो ये आप याद करना, पैनरोजोइक कितनी है, 12% समय अवधि है, और जो पूरा कैम्बियम है उसकी कितनी है, 88% समय अवधि है, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ रखा है। तो बात करते हैं जो पैरा जो पैनरोजोइक है उसे किससे कब तक कह रहा था, अब तो आपको याद होना चाहिए, तो मैंने बताया था आपके लिए, क्योंकि पैनरोजोइक कब से आया था, 570 से, कब, 570 से आया था ये, और कब तक चला है, अब तक, मतलब अब तक ये चल रहा है, ठीक है भाई। तो बात करते हैं जो पैनरोजोइक है, पैनरोजोइक में तीन भागों में डिवाइड किया गया था, अभी हमने पढ़ा था, सबसे पहले आया था पहले वाला पैलोजोइक, बीच वाला मैसोजोइक, और लास्ट वाला कैनोजोइक, है ना, यही तो आया था। तो ये देखो यहां पर साड़ी में आपको देखने को मिलने वाला है। तो बात करते हैं समय अवधि कहां तक पहुंचना है, बस इतना याद करना है, ये वाला याद करना है, कितना, 570, 570 तक कहां पहुंचना है, उसके बाद
245 तक पहुंचना है यहां वाले में, मैसोजोइक तक, मैसोजोइक तक 245 छोड़ देना, बीच में चाहे कुछ भी बनाकर लिख सकते हो, यहां पर 570 है, यहां पर लिख दो 500, यहां पर लिख दो 450, यहां पर लिख दो 380, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, आप लिखते चले जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी इधर उधर हो जाए थोड़ी बहुत कुछ सब चल जाएगी, ठीक है। मगर आपको ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली मैन है, ये आपको चार याद करनी पड़ेंगी बस, बाकी आप बनाकर बीच में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। समय अवधि के लिए कोई चेक नहीं करता इतना, ठीक है। मगर आपकी मेन जो हेडिंग है, मेन वाली, वो याद होनी चाहिए, पांच आपको याद करना पड़ेगी। तो 4600-900 तक आपको याद हो गया, उसके बाद कहता है 570 से बीच में कुछ भी लिख देना, 405 लिख दो या 500 लिख दो, यहाँ पर 450 लिख देना, यहाँ पर 400 लिख देना, यहाँ पर उसके बाद 450 मतलब 60 लिख देना, 50 भी चलो तभी का चल जाएगा, उसके बाद 285 देख क्या 86 तुम 85 लिख तभी चल जाएगा ये, ठीक है। और बात करते हैं ये वाली हेडिंग फर्स्ट लिखना, ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी लिख देना, कितनी 245, ठीक है, याद कर लेना, चार हेडिंग याद करने के लिए बस। उसके बाद में आप सिक्वेंस वाइज लिख देना, जो चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है, जो चाहो पॉन्टो में यहाँ पहुंचे पॉन्टो में लिख देना, कोई बात नहीं, थोड़ी इधर तो चल जाएगी, ठीक है, कोई नहीं करता। लास्ट वाली और याद कर लेना, 0.01 बस, ये आपको पांच हेडिंग है बस समय अवधि में, बाकी सब चल जाएगा आपके लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये तो मैंने याद करा ही दिया, देखो यहां पर ये प्रारंभिक, मध्यवर्ती, पश्चवर्ती, ये तो हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया, इसके तो हम पता ही नहीं है इसमें क्या क्या था, इसकी जानकारी हमें है ही नहीं, ये पहले ही पढ़ रखा है हमने। फिर बात करते हैं पैलोजोइक, क्योंकि पैलोजोइक को सबसे पहले कौन आएगा, पैलोजोइक, फिर आएगा मैसोजोइक, फिर आएगा लास्ट वाला कैनोजोइक, ठीक है। बात करते हैं पैलोजोइक, पैलोजोइक को क्या आएगा, यनियन, हमने देखा था यनियन, और हमारी ट्रिक कौन सी थी, ट्रिक कौन सी थी भाई, ट्रिक थी क्या, क्या साढ़े कप, है ना, क्या साढ़े कप ट्रिक थी ना, कैसे क्या आ जाएगा कैम्ब्रियन, आ से आ जाएगा ओडिविलियन, सा से आ जाएगा साइलूरियन, डे से आ जाएगा डेकेनियन, पासे हो जाएगा कार्बोनिफेरस, पासे हो जाएगा परमियन, ट्रिक याद हो गई भाई, क्या साढ़े कप, ठीक है। ये तो हमारे लिए सारे के सारे याद हो गए, किसमें थे पैलोजोइक में, मैसोजोइक तो पता ही है मध्य वाला है और इसमें मांस खाते हैं, तो कौन आ गए, ट्रियासिक आ जाएगा, जुरासिक और क्रेटेसस, इसमें बड़े सांप, इसमें डायनासोर, इसमें उड़ने वाले डायनासोर, ठीक है भाई, तीनों की तीनों याद हो गए हमें मैसोजोइक में। अब बच जाता है अपना कौन सा, कैनोजोइक महाकल्प, तो कैनोजोइक हमने क्या देखा था, सीन सीन देखने को मिलेगा, तो कैनोजोइक या फिर सैनोजोइक दोनों में से एक कह सकता है, एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं इसे कैसे याद करेंगे, इसको याद कराने की मैं ट्रिक बता रहा हूं आपके लिए भी, देखो इसे कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक हमारी हो जाती है, वो हो जाती है पहली वाली, क्योंकि कैनोजोइक महाकल्प को दो कल्पों में डिवाइड किया गया था, दो कल्पों में डिवाइड किया गया था, कौन कौन से थे, एक था टर्सियरी और एक था क्वार्टरनरी, तो कैसे याद करेंगे, टर्सियरी कैनोजोइक मतलब क्या है, जो वर्तमान में चल रहा है, कैनोजोइक कल्प क्या है, जो वर्तमान में चल रहा है, तो वर्तमान में क्या है, मेडक पाई जाती है, बिल्कुल, तो मेडक टर्सियरी, टर टर मेडक, तो टर्सियरी किसमें हो जाएंगे, कैनोजोइक मतलब अभी वाले में, और लास्ट वाले में क्या है, क्वार्टरनरी, आज के लोग क्या करते हैं, क्वार्टर पीते हैं ना, तो यहां पर क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी याद रहेगा कि क्वार्टरनरी मतलब मध्य में हमें दारू मिलती है, मतलब है ना, बियर मिलती है भाई, पीते हैं क्वार्टर, तो भाई हमें याद हो जाएगा कि भाई क्वार्टरनरी हो जाएगा लास्ट वाला, लास्ट वाला क्वार्टर से याद कर लेना, बन जाएगा क्वार्टरनरी, ठीक है। तो याद रहेगा आपको क्वार्टरनरी और टर्सियरी, इसमें दो हम कह सकते हैं दो युगों में डिवाइड इसे किया गया था। अब दो युगों को सात संकों में डिवाइड किया गया था, वो आपको देखा था ना, सात संक कौन कौन से थे, इसको पांच संकों में डिवाइड किया गया था, इसके लिए टर्सियरी को, और क्वार्टरनरी को दो संकों में डिवाइड किया गया था, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखेंगे, सबसे पहले पा, पहले मतलब पा, पहले पा, तो पा से क्या आएगा, पैलियोसीन, क्या हो गया भाई, पैलियोसीन, पा से पहले मतलब पैलियोसीन, पहले कौन आया भाई, पैलियोसीन, पहले कौन आया भाई, यू आया, यू इओसीन, उसके बाद कौन आया, ओ आया, ओलियोसीन, उसके बाद कौन आया भाई, मय आया, मायोसीन, उसके बाद कौन आया भाई, प्लायोसीन, पीछे वाले आए भाई, प्लायो मतलब पीछे वाले रह गए थे वो आए, ठीक है। उसके बाद क्या बनी, लिस्ट बनी, तो क्या हो गया भाई, लिस्टोसीन, हम सब लोगों की फिर लिस्ट बनी, लिस्टोसीन, उसके बाद लास्ट में क्या था, होलीसीन, क्या गया, होलीसीन, होलीसीन आपको याद करना पड़ेगा, इस प्रकार से याद कर सकते हो। सबसे पहले कौन, प्लायोसीन, प्लियोसीन आया,
उसके बाद कौन आया, ईओ आया भाई, ईओसीन। उसके बाद ओ आया, मतलब ओलियोसीन, ओलिगोसीन। उसके बाद मय आया, मायोसीन। उसके बाद कौन आया, प्लायोसीन, पीछे वाले आए। उसके बाद लिस्ट बनी, उसके बाद ओलिसीन। याद हो गया ना आराम से, सारे के सारे याद हो गए हमें। तो इसकी पीडीएफ जिसको चाहिए ना, इसकी जो पीडीएफ चाहिए तो कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है पीडीएफ का, वहां जाके डाउनलोड आप कर सकते हो। ठीक है, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेहनत से आपको मैंने समझाया, बहुत ही समय लगा था इसे याद करने में मेरे लिए भी, तो इसलिए आपको वही ट्रिक दी है जो मुझे याद हो गई। ठीक है, तो इतना पता है, अगर इसे दो तीन बार रटोगे इसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपको 100% इसमें स्कोर कर जाओगे। और ये क्वेश्चन वो है ना जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में हर साल आता है, चाहे शॉर्ट में आए चाहे लॉन्ग में आए, क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई, इसको याद कर लेना, रट लेना बिल्कुल। यही साड़ी है बस, वो वाली साड़ी याद मत करना, ये वाली साड़ी याद कर लेना। एग्जाम में वो साड़ी नहीं बनानी है, ये साड़ी बनानी है। ठीक है, और यही साड़ी याद करना है, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। महाकल्प, दो महाकल्प थे, पूरा कैम्बियम और एक पैनरोजोइक। पैनरोजोइक पूरा कैम्बियम की तो पता ही नहीं है, पैनरोजोइक की पता है तो तीन भागों में डिवाइड कर दिया। पहला कौन सा था, देखो पास है पहला पैलियोजोइक, फिर मध्य वाला मैसोजोइक मांस खाने वाले, लास्ट वाला कैनियोजोइक, तीनों हो गए। इसको फिर किसमें, 12 युगों में डिवाइड किया गया, 12 युगों में डिवाइड किया गया। उसके बाद जो लास्ट वाले दो युग बचे थे कैनियोजोइक वाले, उसे 7 संघों में डिवाइड किया गया, जो ये हो जाते हैं बस, और तो कुछ नहीं है ना। बिल्कुल ईजी है, आराम से कर सकते हो इसके लिए। ठीक है भाई, तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।